दोस्तों, ये है जियाढल सर्कल जो कि धेमाजी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। यहाँ पे काफ़ी फ्लड हो रहा है, ये देखिए। और ऊपर से ट्रैफिक जाम भी हुआ था थोड़ा देर पहले। हम लोगों ने यहाँ से लगभग 45 मिनट्स ऐसे रुकना पड़ा क्योंकि यहाँ पे जाम हो गया था। पत्थर सब यहाँ पे डाल रहा है थोड़ा कंट्रोल में लाने के लिए। ये देखिए कितना करंट है यहाँ भी, देखिए। और घर सब में भी पानी घुस गया है, देखिए। ये है, ओह माय गॉड, पानी जो बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, ये देखिए। ये जो जियाढल का पेट्रोल पंप के सामने में है, ये देखिए पूरा ट्रैफिक जाम होके रखा है। क्या शादी में जाने वाला बस भी यहाँ पे फंस चुका है। लगभग 2-3 किलोमीटर होगा ना, पानी पूरा भर गया है। और आगे में कितना है नहीं पता, अंदाजा नहीं हो रहा है हम लोगों को। एंड गाइस, समर वेकेशन है इसलिए आज मैं घर जा रही हूँ। आज है संडे 30 जून 2024। यहाँ पे देखिएगा इस शादी का गाड़ी भी यहाँ पे फंस चुका है, ये देखिए। ये देखिए इतना गाड़ी सब जैम लग गया। और यहाँ से थोड़ा क्लियर हुआ है, लगभग 2-3 किलोमीटर के आसपास पानी जमा हुआ था इसलिए ट्रैफिक जाम लग गया। नाउ इट इज ओके। और अगर ऐसे ही कुछ दिन और बारिश देने से तो बहुत ही प्रॉब्लम होगा, कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम होगा, है कि नहीं? ऐसे अगर बारिश देते रहेगा तो, इसलिए जो लोग घर जाने का प्लानिंग है, मतलब जल्दी जाने से ठीक होगा। उस साइड में क्या बोलूं, डिब्रूगढ़ धेमाजी जाने से भी, या डिब्रूगढ़ धेमाजी से अगर लखीमपुर तेजपुर जाने से भी, या ईटानगर जाने से भी, है कि नहीं? तो अगर किसी का इमरजेंसी काम है तो जल्दी से कीजिएगा, नहीं तो बारिश नहीं रुकने से ये थोड़ा प्रॉब्लम जो सीवियर होने वाला है। सो नाउ वी आर गोइंग बैक टू आवर होम टू नामसाई अरुणाचल प्रदेश, एंड द टाइम इज 2:45 PM और हम लोग पहुँचेंगे 7 PM। बहुत ही लंबा रास्ता है गाइस। तो दोस्तों, अभी मैं पहुँच गई हूँ बोगीबिल ब्रिज पे। ये देखिए, हम लोग अभी द माइटी ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर है। पानी बहुत ज़्यादा है गाइस, देखिए। और हवा भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, ये देखिए। और यहाँ से नामसाई तक लगभग 3.5 आवर्स लगेंगे। थोड़ा रेस्ट ले रही हूँ यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा हवा चल रहा है, अच्छा भी लग रहा है। ये देखिए नज़ारा, देखिए गाइस, वाह, मोनो वहाँ पे देखिए तो कितना अच्छा लग रहा है उस तरफ। वाह, एकदम पानी ही पानी, चारों तरफ पानी ही पानी, देखिए। वाह, ये देखिए,
बाई चांस यहाँ से अगर गिर गया तो कोई आता पता नहीं होगा। ये देखिए यहाँ पे मेरा पतिदेव फोटो सेशन करते हुए। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? अच्छा भी लग रहा है और ठंडा भी लग रहा है। ठंडा लग रहा है तो अच्छा है ना, हवा बहुत ज्यादा जोर है। हाँ, जुलाई के महीने में समर सीजन में आपको अगर ठंडा लगता है तो ये तो अच्छा बात हुआ। देखिए थोड़ा चिल आउट कर रही हूँ यहाँ पे। वहाँ पे पानी देखिए और बारिश भी आ रहा है अभी। वहाँ पे बात हो रहा है, शाम हो गया है दोस्तों। अभी हम लोग डिब्रुगढ़ बाईपास में है, पकौड़ा ढूंढ रही हूँ। एक्चुअली बारिश का मौसम है तो पकौड़ा आलू सब खाने का मन किया, लेकिन यहाँ पे ख़त्म हो गया बोल रहा है, इसलिए वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट लोकेशन। सब छोटे छोटे स्टॉल में ये गाड़ी हमको ठोकना था। छोटे छोटे स्टॉल में ख़त्म हो गया है पकौड़ा जो। फाइनली हम लोगों को एक होटल मिला है जहाँ पे पकौड़ा आलू सब वगैरह है, हम दोनों का पसंद है कि नहीं। तो अभी चाय पीने के लिए यहाँ पे रुकी हूँ। कैसा है? बहुत टेस्टी है। चिकन पकौड़ा ना, बहुत टेस्टी है। आपको बहुत थकान लग रहा है? थकान हो रहा है। हाँ, क्योंकि बहुत कंटिन्यूस ड्राइविंग कर रहा है ना। कितना आवर्स हुआ? सेवन आवर्स हुआ है इसलिए। ठीक है, हम लोग अभी चाय पी लेते हैं। यहाँ पे चिकन पकौड़ा और ये एग चॉप और चाय आ रहा है।